गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम क्लास 10th के आने वाले हैं, तो आपको पता है कि आपकी जो नोटबुक होती है एग्जाम पेपर में, आपको जो नोटबुक मिलेगी उसके फ्रंट पेज कुछ इस तरह से होगा और आपको उस पे एंट्री करनी होगी और एंट्री में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो उसी गलती से बचने के लिए आपके लिए एक डेमो वीडियो है जिसमें आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को और ध्यान से सुनेंगे कि आपको कहाँ पर क्या भरना है। तो 5 मिनट के लिए आप ध्यान से सुनेंगे और एक एक बातों को ध्यान में रखेंगे। एग्जाम के टाइम जब भी आप एंट्री करेंगे तो आपको एक एक चीजें पढ़ लेनी है ध्यान से और इस वीडियो को याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया है कि विषय आपको सब्जेक्ट क्या भरना है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। शायद आप यहाँ पर नाम लिखेंगे सब्जेक्ट का, जो भी नाम है, जैसे कि इंग्लिश, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे इंग्लिश। उसके बाद आपको विषय कोड दिया हुआ है, तो ये आपके एडमिट कार्ड में विषय कोड आपके पास, सभी के पास एडमिट कार्ड होगा और आपको देना है। देखो मैं एडमिट कार्ड भी आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। तो जैसे भी एडमिट कार्ड में होगा आपको उसी तरीके से अपना सब्जेक्ट कोड सभी भर लेंगे आप। ठीक है स्टूडेंट, एक सेकेंड रुकिए। देखिए ये एडमिट कार्ड है और यहाँ इंग्लिश है और आपका जो भी कोड है आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे सकता है इजीली। हर सब्जेक्ट के कोड आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। अगर आपको किसी का भी सब्जेक्ट कोड नहीं पता है तो आप अपने एडमिट कार्ड से देख लेंगे, कोई भी गलती नहीं करेंगे, राइट। चलिए तो हम आते हैं अपनी दोबारे से एंट्री पर। तो सब्जेक्ट कोड, जैसे कि हमने अपनी अभी इंग्लिश का देखा था, इंग्लिश का हमारे पास कोड क्या है बेटा, इंग्लिश का है, आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका, और इसका जो कोड है वो है 184। तो मैं आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग एंट्री करके दिखा देता हूँ। तो इंग्लिश का कोड है 184, राइट स्टूडेंट। परीक्षा का दिन एवं तिथि, या बिल्कुल सही उसी अकॉर्डिंग पढ़ देंगे जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा। और मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, तो आपका आंसर देने का मोड क्या है, तो आपको सभी को पता है हम इंग्लिश में एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाएं, राइट द कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो बेटा जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहां पर आपको एक कोड मिलेगा, तो उस कोड को आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ये कोड मिलेगा आपको आपके क्वेश्चन पेपर के टॉप में, ठीक है बेटा। उसके बाद सेट नंबर, आपको सेट मिलेंगे 1 2 3 4, आपके पास सेट होंगे, तो आपके पास कोई भी एक सेट होगा, राइट स्टूडेंट, आपके पास कोई भी एक सेट होगा, तो आप अपने पेपर में देखेंगे आपके पास कौन सा सेट है। अगर आपके पास टू सेट है तो आप टू को फिलअप करेंगे, अगर थ्री है तो थ्री को, मैं मान लेता हूँ टू है, तो आप इस तरह से टू को डार्क लाइन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद लिखा है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक, इसको आपको स्टार्टिंग में नहीं भरना है। अगर आप बी कॉपी लेते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है, राइट स्टूडेंट, आपको यहाँ पे नहीं लिखना। और ये आपको थोड़ा सा जो आपके इनविजिलेटर होंगे रूम में या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होंगे वे भी आपको बताएंगे, तो इसको स्टार्टिंग में नहीं भरना है। आगे चलते हैं। उसके बाद आपसे पूछा है कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आपको पता है कि आपको यहाँ पे सबको नो भरना है क्योंकि आप कोई भी स्टूडेंट डिसेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे नो लिखना है। उसके बाद अगर ये यस होता तो आपको यहाँ लिखना होता, अदरवाइज आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। ये आप अपने इनविजिलेटर से पूछ लेना कि यहाँ पर क्या लिखना है, या तो आपको नील लिख पाएंगे या डैश लगवाएंगे, या आप अपने जो भी टीचर रूम में होगा उससे पूछकर लिख लेंगे। आगे चलते हैं। वेदर राइट प्रोवाइडर, राइटर प्रोवाइडर, ठीक है ना, ये भी उन्हीं के लिए होता है बेटा जो विकलांग होते हैं, डिसेबल होते हैं, तो उनको भरने के लिए होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको नो लिखना है, ठीक है ना। जो देख नहीं सकते, अपना एक राइटर होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए होता है, लेकिन आपको यहाँ पे नो लिखना है क्योंकि आप ऐसी कोई भी सर्विस लेने वाले नहीं है। उसके बाद ये भी आपका सेम है, इफ विजुअली चैलेंज्ड नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर यूज, तो यहाँ पर कौन सा आप यूज करने वाले हैं, यहाँ पर भी आप अपने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आपको बताएंगे, आप उसी के अकॉर्डिंग भर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। आगे जो नीचे का पोर्शन है ये आपके जो है ऑफिस के यूज के लिए है, आपको उसका कुछ नहीं करना। हाँ यहाँ पर आप बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर दो बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, तो एक तो बड़े अक्षरों का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स, ठीक है ना, तो एक तो आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में नेम लिखना है, और नाम लिखने जब आप नाम लिखेंगे तो ये जो ABCD आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इनको आपको फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करते हैं इस बात को ध्यान से समझेंगे।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं किसी का नाम अंकुर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए कैपिटल लेटर में एन के यू आर, ये हो गया अंकुर, राइट। तो आपको कैसे इसको डॉट को फिल करें, जैसे ए है तो आप ए पहले वाला ए देखेंगे और यहाँ पर ए है तो इसको डॉटेड कर देंगे, इसको फिल अप कर देंगे। उसके बाद आपका एन है, एन आपको इसी के नीचे बिल्कुल सीक्वेंस में जाना है और एन को देखना है, एन ये मिल गया एन, तो आप इसको फिल कर देंगे, राइट स्टूडेंट। कोई भी पेन बाहर नहीं निकाल लेगा, कोई भी शॉर्ट नहीं छोड़ेगा, पूरा भरना है। उसके बाद के है तो आप के ढूंढेंगे और आपको के मिल जाएगा, ठीक है, ये रह के, तो आप इसको के को भी फिल कर देंगे बहुत ध्यान से, कोई भी पेन आपका बाहर ना निकले और कोई भी अधूरा ना रहे, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यू, तो आप नीचे यू जाएंगे, ये आपका यू मिल गया। ध्यान रखना है बिल्कुल सेम सीक्वेंस में होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। उसके बाद आर, तो आप आर को ढूंढेंगे, ये मिल गया हमें आर वाली सीक्वेंस, और यहाँ पर हम आर को फिल कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। उसके बाद इसी तरह से जब आप नाम लिख देंगे तो आपका है अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, तो रोल नंबर जो है आपको रोल नंबर मिलेगा, आपको आपके एडमिट कार्ड में आपको रोल नंबर मिलेगा। तो रोल नंबर जो भी आपका, मैं एग्जांपल के लिए वैसे लिख देता हूँ, जैसे कि 2389712, मान लीजिए मैंने एक डेमो रोल नंबर उठा लिया है, आपको ये फिल करना है, तो आप इसको कैसे फिल करेंगे। यहाँ पर भी जैसे अल्फाबेटिकल हमने यहाँ पर ध्यान दिया था, ऐसे ही यहाँ पर हमें ध्यान देना है बेटा न्यूमेरिकल के हिसाब से। जैसे यहाँ पर टू है, नंबर्स के हिसाब से भरना है, यहाँ पर टू है तो टू देखेंगे, इसी के नीचे 1 2 3 4 आपको 9 तक नंबर दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर टू को ही फिल करना है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे बेटा यहाँ पर जैसे थ्री है, तो आपको थ्री यहाँ पर थ्री, तो इसी के सेम नीचे बिल्कुल आप थ्री को फिल करेंगे। उसके बाद नाइन है स्टूडेंट्स, तो नाइन पर जाएंगे और नाइन को फिल करेंगे। उसके बाद एट है, तो एट पर जाएंगे और एट को फिल करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे सेवन है, तो सेवन पर जाएंगे और सेवन को फिल करेंगे। देन वन है, तो वन को फिल करेंगे। देन टू है, तो आप टू को फिल करेंगे। मुझे लगता है आपको यहां तक कोई भी परेशानी नहीं होगी, राइट स्टूडेंट। तो उसके बाद विषय सब्जेक्ट कोड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सब्जेक्ट कोड, तो जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट कोड, तो सब्जेक्ट कोड लिखना है आपने, जैसे कि अभी सब्जेक्ट कोड हमने देखा था इंग्लिश का 184, तो यही सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे वन के वन है तो वन को डॉट करना है, ठीक है ना। उसके बाद एट है, तो एट पर जाकर एट को फिल करना है। सिमिलरली आपको फोर पर जाएंगे और फोर को फिल करेंगे। उसके बाद सेंटर नंबर है, अगर आप देखेंगे अपने एडमिट कार्ड में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एडमिट कार्ड अगेन, तो आपको देखोगे कि यहाँ पर एक तो स्कूल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चों, स्कूल नंबर दिखाई दे रहा होगा अपना, और एक सेंटर नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपसे वहां पर ओएमआर में पहले पूछा है सेंटर नंबर, तो मैं वहीं पर जाऊंगा और सेंटर नंबर लिखूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों सेंटर नंबर, तो मुझे सबसे पहले क्या भरना है सेंटर नंबर, मैं आपको स्क्रीन पर दोबारा दिखा देता हूँ सेंटर नंबर, ये रहा सेंटर नंबर। सेंटर नंबर है बेटा 8544441, राइट स्टूडेंट। तो जो भी आपका ये कोड है, सेंटर कोड है, क्या है एक बार देख लेते हैं, 8 5 आपके सभी के एडमिट कार्ड पे मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसे स्कूल कोड है आपका 8 1 8 0 1, ठीक है ना। तो इनको कहाँ पर भरना है देखो एक बार, ओमार में, मैं ओमार में ले जाता हूँ आपको अगेन, देखिए सेंटर नंबर, तो आपको सेंटर नंबर भरना है बेटा। आपको यहाँ पर सैंपल में दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर फोर कॉलम है 1 2 3 4, लेकिन जो आपको एग्जाम में मिलेंगे वो आपको पूरे कॉलम का मिलेगा, 6 कॉलम का। तो आप मान लेते हैं यहाँ पर भी 2 कॉलम है, समझ में आ रही मेरी बात, ये सैंपल है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। अगर सेंटर कोड होगा तो आपको एग्जाम में जो मिलेगी वो पूरे 6 कॉलम की मिलेगी। तो जैसे एग्जाम सेंटर है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे सेंटर नंबर 8 5 4 4 4 1, क्लियर स्टूडेंट। लेकिन फिलअप ऐसे ही करना है, आप 4 कॉलम से सीख सकते हैं। जैसे 8 है तो यहाँ पर 8 पे जाऊंगा मैं, 8 को फिलअप करूंगा,
सिमिलरली बेटा 5 पे जाऊंगा, 5 को फिलअप करूंगा। सिमिलरली 4 पर जाऊंगा, 4 को फिलअप करूंगा, सेम एज 4 और आगे भी सो। तो आप ऐसे ही कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद विषय लिख रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखना है आपको जो भी आपका सब्जेक्ट है, पूरा एडमिट कार्ड में जो आपका नाम लिखा हुआ है आप वही लिखेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे अपना। इसके बाद लिख रहा है स्कूल नंबर, अभी मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया था स्कूल नंबर, राइट। तो एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ आपको एडमिट कार्ड में, ये रहा स्कूल नंबर, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे बच्चों, स्कूल नंबर, स्कूल नंबर है आपका 81801। तो ये आपको भरना है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर ये स्कूल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। तो आपका स्कूल नंबर है 81801, यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड पर स्कूल नंबर लिख लेना है। उसके बाद अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर इन वर्ड्स, यहाँ पर आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म कर दी गई है सीबीएसई द्वारा। आपको जैसे ही लैक्स थाउजेंड्स दिया हुआ है बेटा, तो इसी तरह से आपको एडमिट कार्ड पे पहले से ही, अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर आपने एडमिट कार्ड को पढ़ा होगा तो आपको मिल जाएगा, आपका पहले से लिखा हुआ है रोल नंबर 2,51,00,000, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के लिए 51,68,000, तो आपको पूरा पहले से लिखा हुआ है 953 ओनली। तो आपके लिखा हुआ है बिल्कुल आपको सेम ऐसे ही लिख लेना है, आपकी सारी टेंशन खत्म है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है जैसे लैक्स लिखा हुआ है, तो पहले लैक पूछा है, तो मेरे एडमिट कार्ड पे भी कितने थे बेटे यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ था 2 करोड़, है ना, 2,51,00,000, ठीक है ना स्टूडेंट। तो आपको वहां पर भी करोड़ वाला भी आपको मिलेगा, तो आप वहां पे लिख देंगे बिल्कुल एज यूजुअल लिख देंगे जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है 2, और आपको वहां करोड़ भी मिलेगा 2 करोड़, ठीक है ना, ऐसे आप पूरा लिख दें इसको, ठीक है। उसके बाद पिता संरक्षक का नाम, तो आप यहाँ पे आपका फादर या गार्जियन के नेम लिखना है आपने। उसके बाद परीक्षार्थी का सिग्नेचर, ठीक है ना, हस्ताक्षर, इस बात पे भी एक बार फोकस चाहिए मुझे आपका। यहाँ पर जो आप अपने सिग्नेचर लिखेंगे या करेंगे वो सिग्नेचर वही होने चाहिए जो आपने LOC के टाइम लिखे थे, ठीक है ना, आपको LOC पे कराया होगा सिग्नेचर टीचर्स ने, तो आपको जो LOC पे जो आपने सेम साइन करने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आपने कोई पूरा नाम लिखा था तो पूरा नाम, जो भी आपने वहां पर LOC पे किया था वही सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद नीचे का सारा काम आपके टीचर्स का होगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, कोई स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, अदरवाइज जब आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर भी आपको आपके इन्विजिलेटर होंगे और आपके जो भी एग्जाम सुपरिटेंडेंट होंगे वे भी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। कहने का मतलब कुल ये है, आपकी वीडियो सैंपल के लिए बना दी गई है, और भी ज्यादा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो सबसे आसान तरीका होता है जिस चीज को आपको ना पता हो आप फिल ना करें, अपने टीचर से जो भी उस टाइम पे एग्जाम रूम में होगा आप उससे आराम से पूछ सकते हैं, गलत मत भरिए जब तक कि आपको किसी चीज का ना पता हुआ हो। ओके, थैंक यू।